तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान के जो हैं अलग अलग अवतार, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके साथ बलराम जी जरूर आते हैं उनका सहयोग देने के लिए। तो इस कलयुग का जो युग धर्म है उसकी स्थापना करने जब आ रहे हैं तो सहयोग देने आना पड़ेगा ना। कलयुग का युग धर्म है, हाथ उठाएंगे, क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो युग धर्म का मतलब क्या है? जिस पद्धति का आप पालन करते हो और भगवान को बहुत आसानी से उस पद्धति के माध्यम से आप प्राप्त कर लेते हो। ऐसा नहीं था कि जो है बाकी युग में नाम नहीं लिया जाता था, ऐसा नहीं था। बट जो है इस युग के लिए खास, इस युग में और मतलब और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाकी जैसे हमने जब चर्चा किया था भागवतम में, चर्चा किया था कि पहले के लोग इतना शरीर होता था, हष्ट पुष्ट होते थे कि ध्यान योग तो ऐसे ही लग जाता था, बैठ जाते थे, ध्यान करने में उनको बहुत बड़ा काम नहीं था। और मतलब भगवान, मतलब भक्तों जैसे भीष्म देव हैं, सब कैसे कैसे मतलब लेटे लेटे तरह से उन्होंने उत्तरायण में अपने आप शरीर को, प्राणों को ले गया, छोड़ दिया। मतलब हम देख रहे थे कैसे ध्यान योगी पहले के लोग बहुत मतलब शारीरिक रूप से लंबे समय तक एक ध्यान की मुद्रा में बैठना तो संभव था, तो अभी संभव नहीं है। तो इस कलयुग में सिर्फ क्या संभव है? आप भगवान का नाम ले सकते हो, और नाम लेना भी दिस इज दी हाईएस्ट इस कलयुग में। तो ये इसका जो भी सहारा लेगा उसका निश्चित रूप से जो है जो भगवत प्राप्ति, जो जीवन का उद्देश्य है, वो संभव हो सकेगा। अदरवाइज क्या है, मार्ग में बाधाएं ही बाधाएं, संभव नहीं है। तो जो लोग मौके का फ़ायदा उठा लिए तो वो पार नहीं है, उनकी पार लग जाएगी। तो इसलिए हम ये सब सीख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, आए हैं वो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने और उनका सहयोग देने नित्यानंद प्रभु है। तो भगवान की जैसे आप देखिए कोई भी सेवा होती है बहुत तरह से सहयोग होता है, वैसे भगवान के अलग अलग पार्षद हैं, अलग अलग तरीके से मदद की है। तो नित्यानंद प्रभु इज़ लाइक वन ऑफ द वोज पिलर्स, हाँ पूरा सेवक भगवान जो यहाँ पर। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 में वर्णन आता है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। श्लोक संख्या 134। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। तो आप बोलिए, इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। तो ये हमने डिस्कशन एक बार थोड़ा सा बताया भी था। श्री भगवान जो हैं उनके अनंत अवतार हैं भगवान जो है, और उनमें कोई अंतर नहीं है, तत्व वाइज कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन भक्त जब भगवान अपने भक्तों के भाव, भक्तों के इमोशंस की इच्छा, भक्तों की जब इच्छा होती है तो अलग अलग भाव से भगवान के साथ रिसिप्रोकेट करना चाहते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो वही भगवान जो है विविधता प्रकट कर देते हैं अलग अलग अवतारों में, और उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो कैसे कैसे विविधताएं होती हैं उसको जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम फिर जो है भाव को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे। नहीं तो फिर जैसे यहाँ पर एक जो बात बोल रही चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएट एक्सपेंशन, मतलब उनका एक तरह से
नेक्स्ट बलराम जी हैं, फिर भी बलराम जी के अंदर क्या भाव है, वो अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। और हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु का एक्सपेंशन आप देखेंगे, उनका जो अवतार हैं, हमने देखा कि संकर्षण, फिर संकर्षण से आए अगर वो कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु जो हैं वो फिर से उन गर्भोदक्षाय विष्णु में जाए गए, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से फिर अनंत शेष, ऐसे करके वर्णन चैतन्य चेतामृत में आता है। तो आप सोचिए जो है कैसे जो है भगवान एफर्टलेसली पूरी सृष्टि को धारण करके बैठे हैं। अब अनंत शेष का वर्णन आता है कैसे, भूलोक जो है इसमें पीछे वर्णन आता है, भूलोक को तो ऐसे धारण किए हुए हैं जो है जैसे सरसों का बीज नहीं होता है आपके सिर में धारण कर लिया, उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर है। अब आपका मान लीजिए सरसों बाल बहुत हैं, सरसों डाल दिया जाए अभी तो कहाँ पता चलेगा, हल्का इतना होता है तो उनको पता ही नहीं कहाँ पर है प्लैनेट्स, उनके सिर पे कहाँ है, उनको होश मतलब उनको भार पता ही नहीं चल रहा। तो दैट इज़ द ऑपुलेंस ऑफ अनंत शेष। तो वो जो हैं सब उनके अंश के अंश हैं नित्यानंद के। तो ये अपने आप को भगवान का सेवक बोलते हैं। लिखा है कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला पूर्वे ये न तीन भाव व्रजे कई लोग खेला। वे भगवान श्री चेतन महापुरुष की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में, और कभी दास के रूप में करते हैं। इस प्रकार भगवान बलराम ने ब्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएँ की। तो जैसे आपको पता होगा कि जो है वृंदावन में जब भी कृष्ण बलराम और सखा सब जाते थे, रोज की लीला होती ना गौचारण लीला, तो गाय चराने जाते हैं तो यशोदा माँ हमेशा बलराम जी को बोलती है तुम अपने बेटे भाई का ज़रा ध्यान रखना, छोटा भाई का। हाँ, तो बलराम जी हमेशा अकेले आगे चलकर पहले आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ कोई बाधाएं तो नहीं है, सब रास्ता क्लियर है, आप आ सकते हैं, इस तरह का भाव रहता है। तो बलराम जी हमेशा, तो यहाँ पर बलराम जी किसका रोल निभा रहे हैं, बड़े भाई का। बड़ा भाई मतलब इस वात्सल्य भाव, बड़ा थोड़ा सा वात्सल्य भावना है, और बड़े भाई के रूप में डांटते भी हैं तो वो भी भावना रहता है। तो ये भाव इन्होंने नित्यानंद प्रभु के रूप में भी प्रकट किया। जब चेतन महाप्रभु आए तो कहीं कहीं पर उन्होंने भाव प्रकट किया, और कहीं कहीं पर सेवक का भाव भी रहा। जैसे एक बड़ा सुंदर लीला आता है कि जब चेतन महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था तो उनके पास दंड था, संन्यास दंड। तो संन्यास दंड जब होता है जाहिर सी बात उसको आपको ले कर चलना होगा। तो चेतन महाप्रभु एक बार उनको बोले कि तुम थोड़ा सा इसको होल्ड करो और मैं भी तुमसे ले लूँगा, होता है ना कभी कभी। तो बोला ठीक है जी, जो हुकुम महाप्रभु। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने जो है उसको, महाप्रभु जब देखा कि नहीं है, नित्यानंद प्रभु ने उसको तीन टुकड़े किए और उसको फेंक दिया नदी में। तो महाप्रभु जब आए तो कहाँ है, तो क्या कहाँ है। तो जो है उन्होंने बोला मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ है क्या है। तो एक तरह से तोड़ क्यों दिया, बताते हैं कि अरे तुम मतलब मेरे प्रभु का भार बनेगा, प्रभु को कोई संन्यास की ज़रूरत है। हाँ, उनको ये सब फॉर्मेलिटी करना है, ये सब इस तरह से उन्होंने पूरा मतलब इनके अंदर भाव है कि ये तो मेरे प्रभु हैं और इनको ये फालतू में बर्डन दे रहे हैं, तो तोड़ के फेंक दिया। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु जो हैं तो महाप्रभु, इसलिए फिर जब है जब बात आया कि अब कौन कैसे चलना है पुरी की तरफ, क्योंकि जब बंगाल से आ रहे थे पुरी तो बोला अब तुम, मैं आगे जाऊंगा तुम पीछे रहना, तब साथ में नहीं लिया नित्यानंद प्रभु।
और नित्यानंद प्रभु इसलिए भी पीछे थे, और अच्छा है क्योंकि कहीं अगर आप मान लीजिए भाव में, अगर कहीं आप रास्ते में अगर मान लीजिए आप अनकॉन्शियस हो गए तो मैं हूँ पीछे, तो इस तरह से भी था। तो हर तरह से नित्यानंद प्रभु का भाव था, वात्सल्य भाव भी था और अलग अलग भाव उन्होंने प्रकट किए। तो तीन भाव बेसिकली थे, मित्र, दास और गुरु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान बलराम कृष्ण के सिर में अपना सिर भिड़ाकर वृष की तरह लड़ते थे, होता ना, और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते थे। तो आपने देखा होगा फोटो ना, जहाँ बलराम जी का कृष्ण चरण दबा रहे हैं। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रे कला रे कला अपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं, कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं, और इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वृक्षों की तरह घर्षण गर्जन करते रहते थे और तरह तरह के पशुओं की आवाज़ निकालते थे। ये सब आप भागवतम में पढ़ेंगे कैसे कृष्ण और बलराम अपने जो काउहर्ड फ्रेंड्स थे उनके साथ अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालते थे। छोटे जब नहीं थे, बचपन की लीला, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल्स। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम खेलने के बाद थक जाते थे, ये वहाँ से वो प्रमाण लिया भागवतम से, कि चैतन्य चैतामृत ग्रंथ से हम पढ़ रहे हैं, इसमें सारे आपको शास्त्रों के प्रमाण हैं, तो प्रमाण दिया गया। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत संगोप बरहनम स्वयं विश्रामयत आर्यम पाद संवाहनादि भी। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पाँव दबाकर उनकी सेवा करते हैं। यह योग शक्ति कौन है और यह कहाँ से आई, वह दैवी है या असुरी, यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। तो आपको पता है ये कौन बोल रहा है, बलराम जी बोल रहे हैं। आपको पता है कि जब भगवान कृष्ण ने जो है अघासुर को मारा था, तो बलराम ब्रह्मा जी आकर इंस्पेक्शन करने आए कि मेरी सृष्टि में ऐसा कौन आ गया बालक जो मेरे बिना परमिशन के, ऐसा मुझे पता नहीं चला ऐसा काम कर दिया। तो वो भगवान के जो है मित्रों को गायब कर दिया था, और कृष्णा के जो जितने भी बछड़े थे वो भी गायब हो गए, सारे जो सब थे सब गायब हो गए, और ब्रह्मा जी ने उनको छिपा दिया था। एक साल बीत गया था, बताते हैं वो जिस दिन हुआ था उस दिन बलराम जी स्वयं नहीं आए थे, क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम पूर्णिमा थी जिस दिन अघासुर मारा गया था। तो बलराम जी घर पे रह गए थे, तो उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ उधर। और जब जितने भी जो थे फ्रेंड्स थे जो वापस आए लीला के बाद, तो सब तो कृष्ण ही थे, जितने भी मित्र थे सब कृष्णा, जितने बछड़े थे वो भी कृष्णा। तो बताते हैं एक साल बीत गया, एक साल तक बलराम जी को खबर नहीं हुई। और जब एक बार बलराम जी ने देखा कृष्ण के साथ कि जो है गोवर्धन में जो बछड़े हैं और नीचे उनकी जो है माताएं आई हैं, गौ माताएं, तो ऐसे दौड़े हैं ऊपर से माताओं के लिए, तो ये देखकर बलराम जी को डाउट हो गया, बोला इतना प्रेम बछड़े अपनी गौ माता को कैसे इतना ज़्यादा प्रेम, जबकि तो ये थोड़ा सा उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। तब कृष्णा ने रिवील किया, तो कृष्णा ने रिवील किया तब बलराम जी को पता चला। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, केयम वा कुता आया था दैवी व नारितासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मे पी विमोहिनी। कोई और मुझे विमोहित नहीं कर सकता है, बलराम जी कह रहे हैं कि जरूर मेरे भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, अदरवाइज किसके पास पावर है मुझे मोहित करने का। तो बड़े आनंद से बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे मोहित किया है।
आप सबको पता होना चाहिए, जब भगवान मोहिनी अवतार लिए थे तो मोहिनी अवतार की तो जब सब सुन लिया कि मोहिनी अवतार आया और कैसे उन्होंने असुरों को जो है पीने का मौका नहीं मिला, अमृत देवताओं को अमृत पिला दिया, और कैसे उन्होंने जो है बड़ा चतुरता से किया, तो ये जब सुना तो शिव जी का जो है इच्छा हो जागा कि मैं भी जो है मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। अब शिव जी की इच्छा है तो भगवान चलो ठीक है दिखा देते हैं मोहिनी अवतार। तो जैसे ही मोहिनी अवतार शिव जी ने देखा तो भागने लग गए, उनको पूरा इल्यूजन में आ गए। हाँ तो मोहिनी अवतार से इतना आकर्षित हो गए, और जब और बताते हैं मोहिनी अवतार जा रही हैं, पूरा सृष्टि में घूम रही हैं और शिव जी उनके पीछे पीछे हैं। यहाँ तक कि कोई योगी जो हिमालय में है शिव जी का ध्यान कर रहा है वो भी देख रहा है, अरे जिनका मैं ध्यान कर रहा हूँ ये तो कहीं भाग रहे हैं। तो जब और बाद में फाइनली जो है शिव जी को जब पता चला, ये महसूस हुआ, भगवान ने उनको रिवील किया, अरे ये तो मैं मेरे प्रभु ही हैं जो मैंने अवतार लिए हैं। तो बड़े आनंदित होके जो है वो मतलब वो आनंदित हो गए, उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि इससे एक बात पूरी दुनिया को प्रदर्शित हो गई कि तुम जितने भी योगी जन हो तुम सोचते हो कि जो है मेरा ध्यान करोगे तो तुम मेरे ध्यान तुम मुझ पर ध्यान कर रहे हो, लेकिन मैं मेरे भी कोई आराध्य हैं जिनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो ये लीला से पूरी दुनिया को जग जाहिर हो जाता है कि कृष्ण जो हैं वो किसी को भी मोहित कर सकते हैं, और इससे भगवान कृष्ण की सुपीरियरिटी भी प्रदर्शित हो जाती है इस लीला से। तो ये लीला से भी पता चल गया जिससे बलराम जी को भगवान ने मोहित किया, बलराम जी को पता नहीं चला। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की क्रीड़ा लीलाओं से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, अतः उन्होंने कृष्ण की प्रभुता की परीक्षा लेने के लिए अपनी योग शक्ति से सब कुछ चुरा लिया। किंतु श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों बालकों को फिर से खेत में प्रतिस्थापित करके इसका उत्तर दिया। तो ये बलराम जी का वचन है जो आ रहे हैं। एक बार जब हुआ क्या कि कौरव जो थे उनको क्या लगता था कि बलराम जी को हमारे साइड है, तो बलराम जी जैसे कभी कभी बलराम जी दुर्योधन को करते थे शिष्य से बनाए हैं, तो दुर्योधन को लगता होगा मेरे साइड हो गए, तो कौरव लोग जो है चापलूसी किया करते थे बलराम जी का, और श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कहने लग गए। तब बलराम जी बड़े गुस्से में होकर ये श्लोक बोले भागवतम का, हम श्लोक सुनते हैं। यश्यांग्रि पंकज रजो खिल चोक पालैर मौलम उत्तम धैर धृतम उपाशित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवोमपि यश्य कलह कलायः श्रीशोदमयः श्रीचिरमश्यानृपाशनम् क्व। तो बलराम जी क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है, विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुट धारी शिरों पर धारण करते हैं, यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है, यहां तक कि ब्रह्मा जी शिव जी लक्ष्मी और मैं जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। तो ये उनको बताया कि तुम क्या बात कर रहे हो कृष्ण के यहाँ, तो चापलूसी मत करो ठीक है। तो इसलिए बलराम जी को इतना आसान नहीं समझना, बलराम जी अपना जो है हमेशा हाँ लीला के लिए वो कभी कभी ऐसा पार्ट कर सकते हैं कि जो है बाहरी दृष्टि से आपको उनको लग सकता है कि अरे बलराम दुर्योधन जी का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है, लीला के लिए हो सकता है, अरे तुम स्टूडेंट को क्या कर रहे हो, तो बट ऐसा है नहीं ठीक है।
एकले ईश्वर कृष्ण हर सब भृत्त, यारे ऐसे ना चाहे से तैसे करे नृत्य। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब कोई चैतन्य चेतामृत का फेमस श्लोक है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे ऐसे नचाए, वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। भगवान जैसे अपने सेवकों को चाहते हैं वैसे नाचते हैं। अब भगवान आप जैसे चैतन्य महाप्रभु की हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो भगवान की सेवा में हैं, भगवान जैसा हमें यूज़ करना चाहें करना चाहिए, हमें ये थोड़ी मैं ऐसे ही करूँगा, हाँ, नहीं होता। तो इसीलिए एई मतो चैतन्य गोसाई एकले ईश्वर आर सब परिषद केवा किंकर। तो जैसे कृष्णा एक परम नियंता है, इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र नियंता है, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवकगण हैं। तो जितने भी हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद, सब जो है महाप्रभु की हेल्प के लिए हैं। जिनमें से खासकर अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु वो प्रधान पार्षद हैं और इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार की से अपनी लीलाएं करते हैं। तो इसमें जो है कहते हैं भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, आपको सब पता है। और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हयो लक्ष्मण, लघु भ्राता हयो करे रामेर सेवन। तो आप सबको पता है ये किया था उन्होंने। पर रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहेन लक्ष्मण। तो भगवान राम की कार्यकलाप दुखों से भरे थे किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, आते हुए मौन रहे, भले ही मन ही मन वे दुखी थे। लक्ष्मण जी से नहीं सहा जाता है कि भगवान राम वॉलंटरली ही वॉज टेकिंग सो मच पेन। मतलब सेवक है ना, तो वो चाहेंगे कि उनके प्रभु हमेशा आनंद में रहे, लेकिन भगवान जबरदस्ती कहो उन्होंने माता सीता को भी दूर कर दिया अपने से और खुद भी दुखी हैं। तो इस तरह से बहुत कार्य भगवान ने किए जो लक्ष्मण को जरा सा भी पसंद नहीं था। और उनका पसंद का मतलब नहीं है कि उनकी कुछ अलग से कोई इच्छा है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। यही तो समझ नहीं पाते हैं लोग। वो क्यों वो चाहते हैं कि राम खुश रहें, राम अपने आप को, राम को क्या ज़रूरत है वनवास लेने की। आपको याद होगा जब भगवान राम आकर बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा जो है निर्णय ले लिया गया है, मैंने ऐसा ऐसा वाव ले लिया है क्योंकि पिताजी की जो आज्ञा है उसका पालन करना है। तो लक्ष्मण बोले अभी मैं गुस्से में थे, बोला पिताजी को भी बंदी कर लूँगा, सबको बंदी बना के रख दूँगा। तो ये क्या, तो बोला शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो बहुत प्रेम करते थे और तो कैकेयी पे तो खास कर पूरा गुस्से में थे। और जो है जब और भगवान राम तो खुद से ही जाना चाहते थे, अकेले ही जाना चाहते थे, लक्ष्मण जी बिना उनके नहीं रह सकते थे। बोला मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। तो चलने को तैयार हो गए, पहले तो भगवान राम नहीं ले जा रहे थे। तो इस तरह से लक्ष्मण जी शुरू से ही बहुत दुख पाए हैं। वो दुख मतलब एक प्रेमवश जो उनका दुख है। और आपको सबको पता है किस तरह से उन्होंने जो है कभी भी जो है मतलब कहते हैं पूरे वनवास में सोई नहीं है। और पूरा देख रेख करते थे चित्रकूट में, जो है पूरा हमेशा देख रेख में माता सीता की, सीता को माँ की तरह उनकी सेवा करते थे। पूरा बहुत सुंदर सेवा किया लक्ष्मण जी ने और एक पूरा एक आदर्श
भाई का उदाहरण प्रस्तुत किया, छोटे भाई का। तो ये बहुत दुख हुआ था जब उन्होंने जो है माता सीता जब भगवान मतलब सो कॉल्ड यू कैन से, बट अंदर से भगवान तो हमेशा शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता है, तो सीता से राम कभी अलग नहीं हो सकते। तो बाहरी दृष्टि से जो है उन्होंने बोला कि तुम सीता को लेके वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दो। तो क्योंकि तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें बाल जो आपको वाल्मीकि आश्रम लेके जाना जा रहा हूँ, उनको बोला कि नहीं अभी, क्योंकि उन सीता को बताना उनको बाहर जो है जंगल दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है तो लेके चले जाना, लेकिन लक्ष्मण जी को तो बता दी कि क्या करना है। तो जैसे जैसे लक्ष्मण जी जा रहे थे तो आंखों से अश्रु गिरे जा रहे हैं। माता सीता पूछ रही क्या हुआ, तो बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही सिसकते हुए फिर बाद में सब बोला। लेकिन उसी समय इन्होंने शपथ ले लिया था कि अब मैं छोटा भाई बनकर नहीं आने वाला, बहुत हो गया है छोटा वाला बिजनेस, अब बलराम बनकर आऊँगा मैं। हाँ, जब मन आएगा तो मानूंगा बात, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ये बलराम जी का तो वही, तो इसीलिए लिखा हुआ है कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हेलो सेवार कारण कृष्ण के करायलो नाना सुखास्वादन। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ये बलराम उनकी मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। तो मतलब ये बड़े भाई क्यों बने इसको समझिए, ये नहीं कि मैं अब मजे करूँगा अलग से, नहीं, बड़े भाई इसलिए बने कि अब ये मेरे को बोलेगा ना कि मैं खुद दुख में रहूँगा और तुम जाओ तो मैं इसको मौका नहीं दूंगा, बड़ा हूँ ना, बोलेगा नहीं तुमको मैं दुख में नहीं रहने दूंगा। तो ये है उनका बड़ा होने का उद्देश्य। तो इसीलिए ये सब हुआ नहीं कृष्ण लीला में ज़्यादा। और आपको याद होगा जब भगवान ना कृष्ण जब द्वारका में थे तो बलराम जी को भी भेजे थे कि तुम जाओ थोड़ा सा दुख घर पे, जो दुखी हैं माता पिता उनको जाके थोड़ा संदेश दे के आओ। तो बलराम जी भी जब गए, बलराम जी काफ़ी कुछ महीने रहे वहाँ पर, हाँ, तो बलराम जी के रहने के बाद भी बलराम जी वापस आए, बोल मेरे से भी नहीं होगा, तुमको ही कृष्ण चलना पड़ेगा वापस, बलराम जी फाइनल कंक्लूजन कर दिए। तो इस तरह से बलराम जी जो है हमेशा भगवान की सेवा में, इसलिए आप देखोगे जैसे ही भगवान मतलब कृष्ण की इच्छा समझे, मतलब महाभारत का युद्ध जो है जब समझ गए कृष्णा चाहते हैं कि युद्ध हो, कृष्णा चाहते हैं पांडव जो है वो राजा बने, जब बलराम जी को पता चल गया, बलराम जी बोले ठीक है अब मैं जा रहा हूँ तीर्थ स्थान तीर्थ करूँगा लड़ाई, क्योंकि बलराम जी अब कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बोला कृष्णा जो चाहते हैं वही होना चाहिए। तो दुर्योधन दुर्योधन ये सब सोच रहे थे बलराम जी हमारी टीम में आ जाए, बलराम जी चले गए। तो उस समय बलराम जी पूरा तीर्थ यात्रा किए और जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तब आए हैं और बताते हैं, और वही सेम काम नित्यानंद प्रभु भी किए थे बचपन में, जब एक चक्र नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्र धाम में, एक चक्र आपका मायापुर से लगभग 3-4 घंटे का दूरी है एक चक्र, और एक चक्र में जो है वहाँ पर जब इन छोटे ही थे हड़ाई पंडित और पद्मावती है तो उनके पुत्र बनकर आए, और जो है जब छोटे ही थे तो एक सन्यासी आकर उनको लेके चला गया। सन्यासी आया था, बोला मुझे ना थोड़ा सा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए, तुम्हारा पुत्र मुझे असिस्टेंस में दे दो। तो ये तो उनके लिए बहुत, क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो बचपन में ही जो है मतलब नित्यानंद प्रभु हर दिन आप, मैं जब एक चक्रधाम आप गया तो देखा था वहाँ उनकी अलग अलग लीलाएं, कृष्ण जो जो लीलाएं की उन्होंने अपने पिछले अवतारों में वो हर दिन उसका लाइव डेमो देते थे। सब सोचा करते थे कि छोटा सा बच्चा इसको कैसे पता, इसको तो हमने कभी रामायण नहीं सुनाया, इसको सारी रामलीला क्यों पता है, इसको तो कभी हमने कृष्ण लीला नहीं सुनाया, इसको कैसे कृष्ण लीला पता है,
तो वो सब जो है वो सब करते थे लीलाएं, अद्भुत लीलाएं थी। एक बार तो जो है उन्होंने जो लीला किया कि जो है लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण मार दिया है, और इस लीला को जब ये कर रहे हैं, आप सोचो खुद लीला, आप सोचिए जो एक्टर किसको बोला जाता है जो ऐसा एक्ट करे कि मतलब लगे कि बस वही है। हाँ, और यहाँ जो नित्यानंद है वो कौन है, वो अपना ही एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग तो करने का एक्टिंग नहीं बोला जाएगा उसको, वो तो जी रहे हैं, ही इज लिविंग दोज इमोशंस। हाँ, तो जब वो ये महसूस कर रहे हैं कि शक्ति बाण लग गया है, मतलब लग गया है, वो बिल्कुल लक्ष्मण जैसा अनुभूति कर रहे हैं। तो जैसे लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो गए वैसे ही अनकॉन्शियस हैं, मतलब अब वो पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान आए संजीवनी लेकर, और हनुमान जी जो रोल कर रहा था बच्चा वो गायब हो गया, घर चला गया था। हनुमान जी का जो रोल कर रहा था वो था नहीं। तो भाई ये पूरा अनकॉन्शियस होके पड़े हुए हैं, सब बच्चे जो एक्टिंग कर रहे थे राम का जो भी, सब सब किनारे घेर के बैठे हैं। बोला क्या हुआ? बोला काफ़ी घंटे हो गए अभी तक आ ही नहीं रहे। हाँ, तो बोला निकल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, क्या हुआ? उठा रहे हैं पूरा ऐसे ही बिल्कुल अनकॉन्शियस, मतलब पूरा। तो भाई फिर विचार विमर्श किया गया, सब लोग आए बड़े लोग, क्या मतलब कौन सा पास टाइम चल रहा था? बोला ये लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, ये इसने शक्ति बाण मारा था, ये जो मेघनाथ बना था शक्ति बाण मारा है और इसके बाद ये हालत है। तो बोला इसके बाद का क्या था? बोला हनुमान को आना। तो बोला हनुमान कहाँ है? तो फिर हनुमान जी आए, इनको बुलाया गया, फिर हनुमान जी शक्ति बाण लेकर आए, वो सॉरी संजीवनी लेकर आए, और इस तरह से उठ गए नित्यानंद। तो ऐसे ऐसे एक्टिंग करते थे हर दिन, कभी कालिया लीला होती थी। एक जगह है वहाँ पर जहाँ कालिया घाट लीला है, कालिया कैसे कृष्ण कालिया के ऊपर मर्दन किए, तो ये सब लीलाएँ वो करते थे। तो और तो पूरा जो एक चक्र धाम है वहाँ पर पूरा जो है सब लोग पूरा नित्यानंद बल जो नित्यानंद प्रभु से पूरा आकर्षित थे जब छोटे से थे ये, और अब वो अचानक सन्यासी के साथ चले गए, तो हड़ाई पंडित और पद्मावती तो जैसे लग रहा है उनसे उनके प्राण छीन लिए गए। और तो उस समय भी नित्यानंद प्रभु उन सन्यासी के साथ पूरा पूरा तीर्थ यात्रा भ्रमण किए। और जब पता चला उन्हें कि, और एक जगह है आप जाएंगे वृंदावन में तो श्रृंगार वट है, नित्यानंद प्रभु का क्षेत्र है वो, तो श्रृंग तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आकर रुके थे। तो नित्यानंद प्रभु, आपको मैंने उस दिन बताया था द्वैताचार्य भी आकर वृंदावन गए थे, नित्यानंद प्रभु भी रुके थे, और जैसे ही उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो कि मेरे जो प्रभु हैं वो कब अपना लीला आरंभ करें, संकीर्तन लीला। निमाई तो बने थे, निमाई पंडित थे, महाप्रभु का बचपन की बहुत लीलाएं थी। तो जब उन्होंने संकीर्तन लीला खासकर आरंभ कर दिया, कब आरंभ हुआ था? जब वो गया आके गए थे, तो गया से जब वापस गए तो पूरा नाम संकीर्तन पूरा हर समय नाम करते रहते थे, और जाके भक्तों से पूछते थे चैतन्य महाप्रभु, खासकर श्रीवास पंडित से पूछा कि जो है, क्योंकि सब लोग सोचा था अरे गया गए, गया में ऐसा क्या हो गया कि इनको भूत प्रेत क्या लग गया, हाँ ऐसा क्या हो गया, बीमारी हो गई क्या, कुछ गैस की बीमारी हो गई क्या, जो हर समय ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, कष्ट है क्या कोई, हरि का नाम ले रहे थे और आंसू निकल रहे थे, वो कष्ट है क्या है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने श्रीवास पंडित से पूछा, बोला कि जो है सब कोई बोल रहा है मुझे बीमारी हुई है, तुमको भी लगता है मुझे बीमारी हुई है क्या? तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि प्रभु आपको जो बीमारी हुई है मुझे भी हो जाए,
सबको हो जाए ये बीमारी, हाँ मुझे भी लग जाए बीमारी। तो जब उन्होंने लीला प्रकट करी, संकीर्तन लीला, तो नित्यानंद पुरु तब चले वहाँ से वृंदावन से, कहाँ पर देखा सो रहे हैं, कहाँ चले, कहाँ मिलने के लिए। अरे गया से तो आ गए मायापुर ना नवदीप, श्रीवास आंगन कहाँ है भाई, श्रीवास पंडित से मिले तो गया में ही रह गए तुम लोग, तो वापस तो उनसे मिलने आ गए मायापुर। सारी जो पाठ तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण बलराम वो सब गोकुल में आए, लेकिन विशेष योजना के तहत, क्योंकि नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का क्या योजना है कि पृथ्वी ते आछे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, ऐसा कोई पृथ्वी का कोना नहीं बचेगा जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद गण हुए वो पृथ्वी के अलग अलग कोने में जन्म ले चुके थे और ले रहे हैं और लेते रहेंगे। अब जैसे हिदोली ने जय पता कर स्वामी महाराज, क्या साधारण लग रहे हैं क्या, अमेरिका में पैदा हुए हाँ, और आके मायापुर धाम पूरा वहाँ पर आके, सोचिए महाप्रभु मतलब प्रभुपाद उनको 20 साल में लगभग थे लेकर आ गए, और बोला तुमको मैं मायापुर दे रहा हूँ डेवलप करो इसे, मतलब कोई इमेजिन कर सकता है क्या हाँ, उनका क्या नाम भी शायद क्या था, जय कर कुछ था हाँ, जौर हाँ जी, मतलब गौर का जन गौर, मतलब गौर का जन तो ऑलरेडी लगा है, गॉर्डन ऐसे कुछ था, मतलब गौर के जन हो तुम, हाँ गौर के जन, तो गौर के पार्षद ही हो तुम। तो ऐसे महापुरुष के अलग अलग जो भक्तगण हैं वो पृथ्वी के अलग अलग जगह पर प्रकट हो रहे हैं, और वो इसीलिए प्रकट हो रहे हैं ताकि उस एरिया को पूरा अप्लावित कर दें हरि नाम से, तीसरे बिखरा दिया था। लेकिन महापुरुष की लीला अभी आरंभ हो रही है, संकीर्तन लीला, तो सब जो अलग अलग जगह पर थे भक्त वो सब अभी एकत्रित हो रहे हैं, कहाँ पर मायापुर धाम में एकत्रित हो रहे हैं। और तो नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं, और लेकिन नित्यानंद प्रभु जब आए, ये बहुत सुंदर एक लीला है, जब नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने जो है आकर डायरेक्ट नहीं वो मिले, आकर उन नंदनाचार्य जी, अब जब जाते हैं ना मायापुर तो एक नंदनाचार्य जी का घर है, तो वहाँ उनके घर पर आकर छिप गए, और बोलेंगे अगर ये मेरे प्रभु हैं तो खुद ही ढूंढ लेंगे, तो उन्होंने छिप गए। और उसी रात महाप्रभु को स्वप्न आया था, स्वप्न में वो बलराम जी को देखे कि उनके घर पर बलराम जी आए हैं, तो सुबह उठते ही सबको बोला कि एक महाजन आए हुए हैं, नवदीप में कोई महाजन आया हुआ है, अपने सब भक्तों को बोला जाकर ढूंढो उन्हें। तो सब भक्त पूरा नवदीप मायापुर छान मारे, हर घर में जा जा कर देख रहे हैं कौन आया महाजन कौन है, रिपोर्ट वापस सब आए सूचना, बोले प्रभु कोई महाजन नहीं मिला, कोई नहीं दिख रहा है नित्यानंद, कोई महाजन नहीं है। तो भाई तो अब ये बोला मुझे ही जाना पड़ेगा लग रहा है खोजने के लिए। तो ये एक बहुत सुंदर गुण रहस्य है, नित्यानंद प्रभु को जानना है, नित्यानंद तो गुरु है ना, तो गुरु को पास कौन लेके जाएगा, कृष्णा स्वयं, तो कृष्णा मिलाते हैं हमें गुरु से, अनंत गुरु को ढूंढना ऐसे मुश्किल है, गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, कृष्णा की इच्छा से गुरु हमारे जीवन में आते हैं और गुरु से कृष्णा मिलते हैं। तो इसलिए गुण तत्व है नित्यानंद प्रभु का। तो जब लेकर आए तो नंदनाचार्य के घर में, तो फर्स्ट टाइम सोचिए द्वापर के बाद ऐसा मानो मिलन हो रहा है कृष्णा और बलराम का। तो इस सुंदर मिलन का लीला चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे दोनों मिले हैं। और तो ये जो है, और इस तरह से नित्यानंद प्रभु मिले, अद्वैताचार्य जी तो ऑलरेडी वहीं थे, और
और सिवास पंडित का तो घर ही है, सिवास आंगन वहीं रहते थे मायापुर में। तो इस तरह से अलग अलग और भी जो पार्षद गण थे सब मिलकर संकीर्तन लीला आरंभ हुई है और जो है पूरा फिर संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया। फिर जब महापुरुष संन्यास ले लिए, संन्यास लेके महापुरुष जगन्नाथ पुरी आ गए, तो पुरी में तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे थे। तो उसमें से नित्यानंद प्रभु को जिम्मेदारी दी कि तुम जाकर प्रचार करो बंगाल में, साथ में नहीं रखा, कभी लोग सदा साथ में रहे। नित्यानंद तो उनको बोला तुम जाओ बंगाल में प्रचार करो, तो हाँ बीच बीच में आते रहना, जब भी जगन्नाथ यात्रा होगी तो आते रहना। 4 महीने सब आते थे। और बाद में बलराम जी को बोला तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ और प्रचार करो। भगवान के लिए गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी क्या है, हाँ उनके लिए थोड़ी कोई वर्ण और आश्रम होता है, वर्ण आश्रम तो हम लोगों के लिए है। भगवान जब ये सब करते हैं तो सब एक लीला का पार्ट है। हम ही नहीं सोच रहे भगवान भी वर्ण और आश्रम के अधीन हो गए क्या। चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम सिर्फ इसलिए लिए थे ताकि प्रचार अच्छे से कर सके। नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने बोला कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ ताकि प्रचार करो। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर गौरी पंडित, वो क्या जगह है गौर, वो कौन सा वो जगह है जो शांतिपुर के पास है, क्रॉस करके जाते हैं गौरी पंडित जहाँ रहते थे, वो जगह का नाम क्या है, अंबिका कालना। तो अंबिका कालना में गौरी पंडित की ही शायद बेटियाँ थीं, उनसे विवाह हुआ था नित्यानंद प्रभु का, रेवती और ये वसुधा। तो इस तरह से वो जगह भी है जहाँ पर शादी का फेरा सब लगा था, वो बड़ा सुंदर उधर बना हुआ गौरी पंडित। तो इस तरह से जो है नित्यानंद प्रभु की सुंदर लीलाएं हैं। और बाद में नित्यानंद प्रभु जो है एक बांके राय डीटी हैं, बांके राय वो एक चक्रधाम में, उसी में वो अंतर ध्यान हो गए हैं उसी डीटीज में। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ में अंतर ध्यान हो गए, तो वैसे ही बांके राय डीटीज हैं हाँ एक चक्रधाम में उस अंदर जाकर, क्योंकि ये तो प्रकट हुए हैं ना, भगवान का प्रकट और अप्रकट होता है ना। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु वो महापुरु के जाने के बाद भी रहे हैं, प्रचार किया उन्होंने। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के जो पत्नी है जानवा माता जी, जानवा माता जी ने जो है वो खूब प्रचार किया है, उन्होंने जो है बहुत प्रचार किया। वो जो भजन नहीं जानवा पाद पद्म जो हम जो गाते हैं जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, वो जानवा माता जी के एक शिष्य उन्होंने भजन लिखा है। तो इस तरह से पूरा गौड़िया वैष्णव परंपरा को बाद में लीड किया उन्होंने नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद। और तो इस तरह से बहुत प्रचार कार्य नित्यानंद प्रभु ने संभाला। आज भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनके ही इच्छा है जिसकी वजह से आज श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के द्वारा प्रचार चल रहा है। तो ये मूवमेंट चलता रहेगा आगे आने वाले 9500 साल तक। और आगे ऐसा बताया गया है कि दुनिया के जितने धर्म हैं सब एक ही बन जाएंगे,